नमस्कार, मैं राहुल रावल। खबर 24 न्यूज की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी महिलाओं ने की गोवर्धन जी की पूजा, सुख समृद्धि की करी कामना। कई मंदिरों में हुए 56 भोग के आयोजन। अब डालते हैं खबर पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी में ही हर्षोल्लास के साथ महिलाओं ने की गोवर्धन जी की पूजा, जहां महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन जी बनाकर उनकी पूजा अर्चना की, वहीं सुख समृद्धि की कामना करी। इस दौरान महिलाओं ने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाकर उनके सारे दुख दर्द हरने की कामना की। वहीं इस अवसर पर सभी ने दूध दही मावा मिष्ठान का ठाकुर जी को भोग लगाकर गोवर्धन जी के मंगल गीत गाए। वहीं दीपावली के अवसर पर राधेश्याम मंदिर, बालाजी मंदिर एवं पचपाड़ स्थित विष्णु जी के मंदिर पर भी 56 भोग के आयोजन किए गए। इस अवसर पर कई प्रकार के व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया गया। वहीं उसके बाद प्रसादी वितरित की गई। अरे वो नहीं क्या बोले लो।
आपके मंदिर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आज क्या है अन्नकूट? ये बालाजी मंदिर जो है महामंडी शहर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, 105 वर्ष पुराना मंदिर है। आरम्भ से ही इसमें सारे रीति रिवाज कार्यक्रम समय अनुसार बनते थे। उसी क्रम में आज दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, उन्हें अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव में सभी प्रकार के 56 व्यंजन सब्जी तरकारी मिठाइयाँ आदि बनती है, उनका ठाकुर जी भोग होता है। उसके सबको मिलाकर चने चौने का विशेष रूप से योगदान देते हुए उसका प्रसाद सबको बांटा जाता है। इस दिन पूरे शहर के धार्मिक श्रद्धालु महिला पुरुष बच्चे लगभग सबके सब दर्शन करने आते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये परंपरा पिछले 100 वर्ष से इस मंदिर में चल रही है। ध्यान रहे, 7 दिसंबर को मतदान करना नहीं भूले। मतदान करना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपना अमूल्य वोट देकर अपनी एक वोट की ताकत को पहचाने। आज के बुलेटिन फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।